RKCL SSC प्रिपरेशन वीडियो गाइड में आपका स्वागत है। इन वीडियोस को चार भागों में बांटा गया है, जिनके तहत हम आपको SSC परीक्षाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। भाग एक में SSC क्या है, SSC एग्जाम्स का दायरा, SSC का पाठ्यक्रम, SSC को करियर चुनने का लाभ। भाग दो में हम समझेंगे SSC सिलेबस का विस्तृत विवरण, हर विषयों की तैयारी कैसे करें, अखबार पढ़ने के तरीके, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ते वक्त क्या करें व क्या ना करें। भाग तीन में हम देखेंगे गत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों का विवरण, किन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें, पेपर देते वक्त क्या करें व क्या ना करें, रेफरेंस मटेरियल, बुक्स, गाइड्स, मैगजीन्स, अखबार इत्यादि पर अपनी नजर डालेंगे। भाग चार में हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सफल विद्यार्थियों से बातचीत, सफल विद्यार्थियों की सफलता का राज व SSC वेबसाइट का विस्तृत ब्यौरा करेंगे। तो आइए अब हम बढ़े पार्ट वन पर। आइए देखें SSC क्या है। 1967-68 में संसद की एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में निचले वर्ग के पदों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का मानस बनाया। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग या SSC का गठन किया गया। SSC गैर तकनीकी समूह सी और मंत्रालयों, विभागों, भारत सरकार, कैग और महालेखाकार के कार्यालयों से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में कैटेगरी बी अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती करता है। SSC मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए एक वर्ष में एक बार कंबाइंड ग्रेजुएट परीक्षा आयोजित करता है। योग्य उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित की गई फीस के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरके जमा कराना होता है। अब देखिए SSC एग्जाम्स का दायरा। SSC नीचे दिए गए सभी पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया करता है। मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट्स, सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम्स, एग्जामिनर इन कस्टम्स, दिल्ली पुलिस व CBI में सब इंस्पेक्टर, BSF, CRPF, ITBP और CISF में सब इंस्पेक्टर्स, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और भारतीय सरकार के कई कार्यालयों में ऑडिटर। एक नजर SSC के पाठ्यक्रम पर। SSC की परीक्षाएं दो चरणों में गठित की जाती हैं, पेपर वन और पेपर टू। दोनों ही पेपर 100-100 प्रश्नों के होते हैं। इनकी अवधि 2-2 घंटे की रहती है। पेपर वन में जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस पे नजर रहती है व पेपर टू में जनरल मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिक पर फोकस किया जाता है। चलिए अब मिलते हैं SSC विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद ओलानिया से। हाँ तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रतियोगी जगत में आए हैं तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा। सफलता के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक रेगुलर मेहनत और एक आपका पाठ्यक्रम। लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, आप उनमें से एक हैं, आपको एक पद अपना चाहिए। उसके लिए आपको उस ढंग से तैयारी करनी होगी जिस ढंग से एक प्रतियोगी अच्छे से तैयारी करता है। प्रतियोगी का मतलब भीड़ में से अलग दिखना। अगर आप भीड़ में से अलग दिखना चाहते हैं तो दो चीजें, या तो आप वहीं की वहीं रुक जाइए, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, या इतना तेज भागिएगा कि आप भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ चले जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज को सबसे ज्यादा समय देता है वो उसी की हो जाती है। कॉम्पिटिशन में आपको लड़ना होगा, जीतना उसी समय में मिलेगी। दोस्तों, किसी भी सफलता के लिए आपको समय देना होगा।
आज आप कंपटीशन में आए हैं तो ये ना सोचें कि मैं सफल आज ही हो जाऊंगा, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी होगी। दोस्तों यहां पर केवल और केवल आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मौका दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, हम उस अपॉर्चुनिटी को भुनाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी को सपने में साकार करते हैं। अपॉर्चुनिटी आई है वो आप और हम मिलकर आपकी सफलता तक ले जाएंगे। दोस्तों आप सब लोगों के लिए मेरी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, आप जी जान लगाकर अपने सपनों तक पहुंचेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सर को सुना और मार्गदर्शन लिया, अब हम एक एक कर एसएससी के द्वारा चिन्हित पदों पर नजर डालेंगे। वह इन पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं और इन परीक्षाओं में बैठने की पात्रता को समझेंगे। सर्वप्रथम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इस एग्जाम के द्वारा आप एलडीसी और डीईओ, असिस्टेंट सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर्स में इंस्पेक्टर की पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए टाइपिंग में 25 हिंदी शब्द पर मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द पर मिनट। आपकी शिक्षा इंटरमीडिएट या उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी श्रेणी है ग्रेजुएट लेवल, इस एग्जाम के द्वारा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में एईओ, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी व स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी पात्रता ग्रेजुएट होना है। तीसरी श्रेणी है सीपीओज की, इस एग्जाम के द्वारा आप सब इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी शैक्षणिक पात्रता ग्रेजुएट होना है। एसएससी एग्जाम्स की चौथी श्रेणी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स, इस एग्जाम के द्वारा आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी पात्रता हिंदी और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट होना, साथ ही हिंदी और इंग्लिश आपके डिग्री में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना है। एग्जाम्स की पांचवी श्रेणी है सीपीडब्ल्यूडी, इस एग्जाम के द्वारा आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पात्रता है सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। एग्जाम्स की छठी श्रेणी है कॉन्स्टेबल जीडी, इस एग्जाम के द्वारा आप CAPS में कांस्टेबल के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पात्रता चाहिए मैट्रिकुलेशन। SSC एग्जाम्स की सातवीं श्रेणी है स्टेनोग्राफर, इस परीक्षा के द्वारा आप स्टेनो सी व स्टेनो डी श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता चाहिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, और आपकी शैक्षणिक पात्रता होनी चाहिए इंटरमीडिएट या उसके बराबर।